नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 27 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रिजल्ट आने के लगभग एक हफ्ते बाद आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पर 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 81 सीटों वाले झारखंड में दो दौर में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ वायनाड और नांदेड़ लोकसभा के अलावा यूपी और दूसरे राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। इनके नतीजे 23 नवंबर को एक साथ घोषित किए जाएंगे। सियासी समीकरणों के लिहाज से महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जटिल राज्य हैं, जहां पर गठबंधन का बोलबाला है। झारखंड के बनने के बाद से और महाराष्ट्र में 2005 से कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर नहीं आ पाई है। यहाँ सरकार बनाने के लिए चुनाव से पहले या चुनाव बाद गठबंधन करना ही पड़ता है। बीते चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों से गठबंधन कर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था। इस बार भी यह गठबंधन बना हुआ है। हालांकि पूर्व सीएम चंपई सोरेन जरूर जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। उधर महाराष्ट्र में इन 5 साल में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना के चुनाव पूर्व गठबंधन ने दोबारा बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी की मदद से सीएम बन गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे की बगावत से उनकी कुर्सी चली गई। उसी तरह शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी एनसीपी तोड़कर नई एनसीपी बना ली। अब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी हैं, जिसका एक धड़ा महाविकास आघाड़ी में तो दूसरा महायुति में है। इतनी उलझी हुई सियासत वाले इन दोनों राज्यों में इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए लड़ाई बहुत अहम हो गई है। झारखंड में भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज और माइंस हैं, तो महाराष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत स्टेट है। बहरहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में लगे धक्के से कांग्रेस गठबंधन में ज़्यादा मोलभाव नहीं कर सकती, जबकि बीजेपी ने विपरीत हालात में बेहतरीन प्रदर्शन कर एक बढ़त ले ली है। इन चुनावों ने यह भी दिखाया कि विपरीत नैरेटिव और एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद बेहतर रणनीति से नतीजे अपने पक्ष में कैसे किए जा सकते हैं। इन राज्यों के सियासी आकलन, गठबंधन के समीकरण और इनके महत्व को लेकर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, जो खास अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज, अपने अपने तमाम जानकार हमारे साथ होंगे। एक बेहतरीन पैनल। तो हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए होंगे खेमचंद शर्मा जी, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुशील जी हमारे साथ रहेंगे, और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में निरंजन पोदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, खेमचंद जी, सुशील जी, निरंजन जी। आपको मेरी आवाज आ रही है खेमचंद जी? जी आवाज आ रही है, नमस्कार। जी नमस्ते खेमचंद जी। खेमचंद जी, चुनाव घोषित हो गए महाराष्ट्र और झारखंड। अभी चूंकि हरियाणा आप जीत कर आए हैं, ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में आपके गठबंधन ये चुनाव के लिए कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 100% तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारा नेतृत्व हमेशा जनता के साथ संवाद करता है और फीडबैक के अनुसार हम लोग काम करते हैं। हम लोकसभा इलेक्शन के बाद बैठे नहीं, हमने लगातार अपने आप को और बेटर करने के लिए झारखंड के कोने कोने में दौरे किए। हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पे हमारे नए सदस्य बना रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से वहाँ पे सरकार चल रही है, जो हर जगह लूटपाट कर रही है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, सीएम साहब भी जेल से आने के बाद दोबारा सीएम बने हैं, वो सारी चीजों को हम एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से वहाँ पे घुसाया हुआ है। और महाराष्ट्र में हमारी जो सरकार है वो लगातार डबल इंजन की सरकार वहाँ पे लोगों के बीच में सेवा कार्य कर रही है, और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, तैयार हैं, कमिटेड हैं, और जनता को बेटर और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में, निर्देश में हमारी पार्टी तैयार है, और हम इलेक्शन में जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों स्टेट्स में जीतेंगे। हरियाणा जहां ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, निश्चित तौर पर हार रही है, वहां हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता के आशीर्वाद और हमारे नेतृत्व की जो विश्वसनीयता है, उसकी वजह से हम लोग जीते, और उसका इफेक्ट आपको महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखाई देगा। ऐसा है कुछ नैरेटिव महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी आपको, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। निरंजन जी, हरियाणा में बीजेपी को जो अप्रत्याशित जीत मिली,
उस जीत का जो ऑक्सीजन, एक तरीके से जीत की जो ऑक्सीजन मिली है, उससे क्या ये माना जाए कि इन दोनों राज्यों में जहां चुनाव घोषित हुए हैं झारखंड और महाराष्ट्र, यहां पर भी बीजेपी कुछ अप्रत्याशित करेगी? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से जीत से एक उत्साह तो बढ़ता ही है, यानी कि कार्यकर्ता का जो एक मोरल होता है वो तो बढ़ता ही है, यानी कि कोई राजनीतिक दल हो अगर उसके लगातार उत्सव पर उसकी जीत से एक अलग मोमेंटम आता है और हार से दूसरा मोमेंटम आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करूं तो दोनों के अंदर मैं एकदम भिन्नता पाता हूँ, और भिन्नता इसलिए पाता हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा का परिप्रेक्ष्य, पहली बात तो छोटा राज्य है और दूसरी बात महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 288 विधानसभा सीटें वहां पे हैं, और इसके बाद में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा सा अलग हट करके है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बात तो मुझे वहां पे किसी भी राजनीतिक दल की कोई हवा या कोई पूर्व नियोजित कोई वहां पे लहर या कोई इस तरीके का असर नजर नहीं आ रहा है। आज की तारीख में अगर हम कहें प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति, तो उसके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा मुझे वहां पे समीकरण कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर नहीं आ रही। उसका मुख्य कारण यह है कि जिस तरीके से 5 वर्ष का कार्यकाल था, और तो इस 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग समझ लीजिए 2.5 वर्ष महाविकास अघाड़ी की सरकार रही और लगभग 2.5 वर्ष जो है वो महायुति की सरकार रही, तो कहीं ना दोनों सरकारों का इसके अंदर समझ लीजिए संचालन रहा। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि इसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर होगा। अब इसके अंदर एक विशेष बात यह है कि जो आप देखेंगे कि जो दलों का दलदल है वो आज महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगा, वो इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में जो शिवसेना हुआ करती थी परंपरागत शिवसेना, उसके दो भाग शिवसेना यूपीबी और शिवसेना, उसके बाद में एनसीपी जो परंपरागत शरद पवार की पार्टी हुआ करती, दो भाग उसके, एक शिवसेना अजित कूट और एक शिवसेना शरद कूट, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी अपने आप में वहां दमखम दिखाने का प्रयास करेगी, आरपीआई है, उसके बाद में प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी वहां पे प्रयास कर रही है कि हम अपने महाराष्ट्र के अंदर भी अपने पैर पसा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य 8-10 पार्टियां वहां पे चुनाव अपने अपने क्षेत्र की वहां पे दिग्गज मानी जाती है, और वहां पे इस तरीके का चुनावी घालमेल होगा। अब इसके अंदर मुख्य रूप से दो गठबंधन चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, एक महाविकास अघाड़ी और एक महाविकास युति। अब इसके अंदर एक चीज की और समानता आपको दिखाई देगी कि दोनों ही दलों के अंदर जो गठबंधन है वो अस्वाभाविक गठबंधन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का वहां पे स्थापना की थी और उसके बाद में पूरा का पूरा जीवन शिवसेना का, आप ये मान के चलिए कांग्रेस और समाजवादी एनसीपी से लड़ते हुए बीता, और कहीं ना कहीं एक मुद्दे को लेकर के, मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर के वो जाकर के उनके साथ घालमेल कर लेते, उनके साथ तालमेल बिठा लेते। इधर कहीं ना कहीं अजित पवार से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का जो गठबंधन है वो थोड़ा स्वाभाविक नजर आ रहा था, लेकिन इन्होंने भी मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि जब सुबह 4 बजे इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह रखा था और उसके बाद में कितनी किरकिरी हुई, इन्होंने उसका भी कहीं कोई सबक ना लेते हुए दोबारा से उसी अजित पवार जिसके ऊपर ये लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, उन्हें को तोड़ करके अपनी पार्टी में ले लिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी एक अस्वाभाविक, क्योंकि यहाँ पे भी अगर एनसीपी की बात करेंगे तो शरद पवार से ज्यादा पीछे जो शब्द हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो अजित पवार के हुआ करते थे, और उसके बावजूद अगर ये उनके साथ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों गठबंधनों में एक अस्वाभाविकता नजर आती है। तो अब ये देखना है कि विशेष बात आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई जिस तरीके से अब वो लहर या सुनामी या हवा वाला जो कहीं किसी भी राज्य में आपको नजर नहीं आ रहा, अब जिसका चुनाव प्रचार स्ट्रांग होगा, जिसका आईटी सेल स्ट्रांग होगा, जिसके समर्थक स्ट्रांग होंगे, जो आदमी वोटर तक पहुंचेगा वो कहीं ना कहीं अपने पाले में वोटर को ला पाएगा, और वो आखिर के 15 दिनों के अंदर आपको पता चलेगा मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भी आलोक जी, मैं बार बार डिबेट में एक बात कह रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है सफलता को शाश्वत मान करके आश्वस्त हुए बैठी है, उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा, तो आज महाराष्ट्र के अंदर भी आपको वही परिणाम होगा, और इसका सही विश्लेषण हम तब कर पाएंगे जब दोनों तरफ से 85 घोषित हो जाएंगे, और उसके बाद में कौन 85 किस प्रकार से वहां पे अपना दमखम रखता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा इसके अंदर। ठीक है सुशील जी, आपके पास आपसे सवाल लेता हूँ। अमित जी आपका स्वागत करता हूँ, आपके पास आता हूँ।
लेकिन सुशील जी से एक सवाल ले लेता हूँ। सुशील जी, हरियाणा में मतदान से पहले हवा बीजेपी के ठीक विपरीत चल रही थी, यह आप भी अच्छी तरीके समझ सकते हैं। एग्जिट पोल ने जो दिया वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पहले भी जो सर्वे आए वो भी बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जैसा कि खेमचंद जी कह रहे हैं ना कि उन्हें हर बाजी जीतना आता है, तो क्या चूंकि अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर आ रहे हैं, जो झारखंड को लेकर आ रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन खेमचंद जी की इस बात में कितनी दम लगती है आपको कि हरियाणा की तरीके महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी को बाजी जीतना आता है? देखिए आलोक जी, जब ये हरियाणा के इलेक्शन हो गए थे तो उसमें आया था कि बीजेपी पीछे जाएगी और कांग्रेस आ जाएगी। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि लोग बड़े दिन या हरियाणा में जो डेवलपमेंट है बड़ी स्लो प्रोसेस में चल रही थी। और दूसरा चीज़ है कि जो ये जवान किसान और पहलवानों की बात कर रहे थे तो लोग उस पर भी कहते देखो जी बेटियों के साथ ये ऐसा हुआ, पहलवानों के साथ ऐसे हुआ, किसानों को ऐसा किया गया। लेकिन एक चीज़ है कि बाद में क्या चीज़ हो गया, जब योगी जी आगे 25-30 रैलियाँ उन्होंने की, मोदी जी आगे, बाकी लोग आगे, उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि देखो अगर कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस हरियाणा में क्या करेगी। और बाय चांस उन्हीं दिनों राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले अमेरिका से आए तो जिन्होंने कहा था कि इंडिया में सरदारों को पगड़ी वगैरह पहनने नहीं देते, कश्मीर में गए तो वहाँ का उनका जो आप चाहते हो वही होगा, हम तो आपको स्टेट और वापस देंगे, आपको जो मन में है वही करोगे आप। ऐसे ऐसी चीजों से जब इन्होंने ये चीजें बोल, पहले जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन हो गई, आज के जम्मू में कम से कम 25 सीट में 21 सीटें बीजेपी लेगी, कश्मीर में पोलराइजेशन की वजह से जितनी भी सीटें थी एक भी बीजेपी को नहीं मिली, सारी नेशनल कांग्रेस को मिली, वही चीज फाइनली हरियाणा में भी हो गया। और दूसरा चीज हरियाणा में एक बड़ी अच्छी चीज हुई, यह हुई कि बीजेपी ने इस बार क्या किया, चले जाट वोटर्स वगैरह थे वो कांग्रेस की ओर जा रहे थे, जो बैकवर्ड्स वगैरह थे डेल्ट वगैरह थे वो भी उनके ओर ये वोटर्स थे, लेकिन बीजेपी ने इसने क्या है इस बार क्या कि उन्हें 20 सीटें कम से कम उनको दे दिया, जिसमें ये अपना दलित आते हैं, अपना जाट्स वगैरह आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज बाकी उनको दे के उनसे भी उन 9-10 सीटें वो भी एडिशन होगी। और इस वजह से क्या हो गया, बीजेपी बहुत आगे गई। अब वही चीज हो गया महाराष्ट्र में, क्योंकि अब जो बीजेपी हरियाणा से बड़ा बूस्ट मिल गया, हरियाणा में बीजेपी आप देख लीजिए, अब बॉम्बे में होगा, महाराष्ट्र में भी सेम चीज रिपीट होगा। जैसे उन्हें पहले क्या किया बीजेपी ने वहां पर, कल तो लेटेस्ट हो गया शिंदे जी ने टोल ब्रिज जो टैक्स जो होता था वो माफ कर दिया, जो अपने मौलवीज वगैरह जो इमाम है जिनको 700 रुपया का पेंशन मिल रहा था तो वो 1000 रुपया कर दिया, ऐसे सरदारों के लिए भी बॉम्बे में भी सरदार की कमी अच्छी है, वहां पर भी उनको भी बहुत सारे बेनिफिट दे दिए। इस वजह से लग रहा है कि बीजेपी का जो पला होगा, एनडीए अलायंस का जो ये हो जाए, जो अपना महायुक्ति का ही पला होगा, थोड़ा सा भारी रहेगा। और दूसरा चीज बीजेपी ने एक चीज अच्छा सीखा, ये जो इन्होंने कर दिया कि जो भी अपने बैकवर्ड्स वगैरह है महाराष्ट्र में भी काफी कम्युनिटीज है उनको थोड़ा खुश करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हो गया तो उससे बड़ा फर्क मिलना। लकली इनके साथ रामविलास पासवान जी भी साथ है, वो उसको भी दूसरी जो इनका फैक्शन है उसको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो होगा तो बीजेपी का काफी बढ़ जाएगा। और झारखंड में भी सेम चीज है, झारखंड में भी जो बीजेपी ने वहां पर भी कर दिया कि जो वहां पर ये अपने दल या अपना आदिवासी वगैरह है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज किया जा रहा है, बीजेपी ने वहां पर भी उसका फायदा उठाना चाहा, वहां पर भी वो इस चीज का बड़ा प्रचार कर रहे हैं, लगता है उसे भी झारखंड में भी बीजेपी को फायदा आने वाला है। हालांकि अब ये तो जमाना रह गया खाली अलायंस का, दो अलायंस महाराष्ट्र भी में है, वहां झारखंड में भी दो अलायंस ही हो जाएंगे, दोनों साइड से हो चुका। लेकिन एक चीज है कि एक ही पार्टी कोई भी ऐसा नहीं हो जिसको मैक्सिमम ये मेजोरिटी मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, 288 सीट है, हर जगह अपने आप जैसे शरद पवार जी का एक रीजन है वहाँ उनकी चलती है, या अपना समाजवादी पार्टी की 1-2 सीटें है वहाँ उनकी चलती है, शिंदे जी के भी कुछ पॉकेट से उनको मिलते हैं। ठीक है सुशील जी, ठीक है सुशील जी आपके पास आऊंगा। अमित तिवारी से एक सवाल ले लेता हूँ। अमित, क्या चूंकि आज तो चुनाव घोषित हो गए महाराष्ट्र और झारखंड में, क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है? सीटों के तालमेल पर बात कहां तक पहुंची? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और
चुनाव आयोग ने आज अनाउंस कर दिया झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के। महाविकास आघाड़ी पूर्णतः लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा महाराष्ट्र के और झारखंड के जो हमारे विधानसभा चुनाव है उसके लिए एकदम तैयार है और हमारी सीटों पे जो सामंजस्य की स्थिति वो बिल्कुल अंतिम दौर में है। हम यकीनन सब मिल करके सीटों का डिसाइड कर लेंगे। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जनता के मुद्दों को लेकर के जाना है। हम कुछ दिन पहले ही जनता के मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव में गए थे। वहां पर ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां पर प्रदेश के अंदर वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो हम याद दिलाना जनता को चाहेंगे कि 70,000 करोड़ के आरोपी जिसको गाल एक राजनीतिक मंचों से कोसते प्रधानमंत्री जी थकते नहीं थे लेकिन सत्ता की मलाई और मजबूरी वो उनके आन पड़ी कि उनको भी साथ लेकर के चलना पड़ रहा है। चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मसरूफ हो, चाहे अजीत पवार हो, या महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि बहुत ही भ्रष्टाचार के जिनको बड़ा सिंबॉलिक पर्याय मानते थे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी आज उनके साथ ही सत्ता में थी। यकीनन उन्होंने अगर राज्य की संपत्तियों को लूटा है तो लूटने वालों के साथ जो लोग रह रहे हैं उनका भी जनता ने हिसाब किया था लोकसभा में। यकीन मानिए आप जो महाविकास आघाड़ी है वो सबके सामंजस्य के साथ एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर के पूरा चुनाव लड़ने जा रही है। सीटों की स्थिति बहुत ही जल्दी धरातल पर आ जाएगी, हम सभी को पता चलेगा। और जो हमारे मुद्दे हैं वो महंगाई को लेकर के है, जो अपराध महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को अपराध की जो जननी बनाया गया है। अब आप देखिए ना कि क्या स्थिति है, अभी एक बहुत बड़े राजनेता का जिस प्रकार से हत्या की गई है, गैंगवार पनपा है उस पर भी वहां की जनता परेशान है और भ्रष्टाचार का पर्याय खुद बने इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया था उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था और वो मूर्ति भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और वो जो अपमान मराठी मानुष का हुआ है यकीनन ठीक है अमित जी ठीक उसका प्रतिशोध दिया जाएगा। दूसरी आता हूं, अगली बार आता हूं, 30 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। मैं झारखंड पे आ जाता हूं। झारखंड में जिस प्रकार से चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के इस केंद्र सरकार ने 6 महीने जेल में रखा है, आदिवासी समाज उसका भी जवाब देगा और पूरा झारखंड उसके उस जवाब के लिए बैठा है। और वो चीज फिर निकल करके आई कि जिस व्यक्ति को चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बनाया उनको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लेकर के गई। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मूल उद्देश्य पार्टियों में तोड़ फोड़ करके अपनी सत्ता को किसी भी प्रकार से प्रतिस्थापित करना है। जी ठीक है खेमचंद जी, महाराष्ट्र की बात करें तो ये बात आप भी समझते होंगे कि महायुति में मुख्य घटक दल आप ही हो और जो महाविकास आघाड़ी के सारे दल हैं उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यानी कि आप हैं। आपकी जीत और हार मायने रखती है कि महायुति आएगी कि नहीं आएगी और आप लगातार वहां पर कमजोर हो रहे हैं। 2019 के चुनाव की बात, 2014 की बात करें तो आपने वहां पर 119-20 सीटें पाई थी लेकिन 2019 की बात करें तो आप 105 सीटों पर सिमट गए थे और अभी भी आपके लिए बहुत चैलेंजेज हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से अगर कंपैरिजन करें तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। खेमचंद जी देखिए हर इलेक्शन चैलेंजेज होता है और हम उसको चैलेंज की तरह लेते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता से संवाद करते हैं और हमारे लीडर्स लगातार जो भी फीडबैक मिलता है अगर हमारी कुछ कमियां होती हैं तो हम इम्प्रूव करते हैं, उन पर काम करते हैं और हमने अपना काम किया भी है और हमें पूरी उम्मीद है लोकसभा इलेक्शन में जो मिशन फॉर्मेशन कांग्रेस ने फैलाई थी, जो आयोजित कराए थे, तो उन्होंने आंदोलन खड़े किए थे जिसकी वजह से उन्होंने जनता को बहकाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, उसके बादल काफी हद तक हरियाणा से हट चुके हैं। हरियाणा इलेक्शन में वो चीजें साफ हो चुकी हैं। अभी किसानों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी बताया कि हमने किसानों का आंदोलन खड़ा किया कि कांग्रेस को फायदा हो सके, बहन बेटियों का किस तरीके से उन्होंने शादियों का दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं। तो और जो आरक्षण की बात थी तो आरक्षण वो हम पे आरोप लगा रहे थे हम खत्म करना चाह रहे हैं, राहुल जी ने खुद विदेशों में जाके किया है कि वो खत्म करने की सोचते हैं। तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो अफवाहें थी वो खत्म हो गई हैं, कांग्रेस के बारे में जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सुशासन दे रही है, काम कर रही है, लगातार जनता के बीच में जो कहती है वो करती है, डिलीवर करती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे हम हमारा गठबंधन जरूर जीतेगा। हम एज ए टीम है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है,
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जीत कर आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है पोदार जी, शरद पवार जी इस समय बहुत इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, आप देखिए कई बार वो कह चुके कि मैं 84 साल का बूढ़ा, इसका बार बार जिक्र करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये बदलाव किए बगैर इस बूढ़े को कुछ भी नहीं होने वाला है, ये 84 साल का बूढ़ा बदलाव जरूर करेगा, तो क्या ये इमोशनल कार्ड महाराष्ट्र के चुनाव में चलेगा? क्या इसका फायदा MVA को यानी कि महाविकास आघाड़ी को मिलेगा? देखिए लोग जी, इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और वो मेरा ये मानना है कि जो शरद पवार जो इमोशनल कार्ड चल रहे हैं, चाहे इधर शरद पवार की बात करें या इधर उद्धव ठाकरे जी की बात करें, कि जिस तरीके से एक सहानुभूति देने का प्रयास किया जा रहा है, इसका प्रभाव केवल उनका जो वोट बैंक है यानी कि जो NCP का वोट बैंक है उसके अंदर वो ये नहीं, उनका ये प्रयास है कि जिस तरीके से NCP अजित गुट उसके साथ उनके कार्यकर्ता या उनका कैडर उनके साथ भावनात्मक रूप से ना जुड़े, वो केवल और केवल उनका इसके पीछे प्रयोजन ये है, क्योंकि जो वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट था या जो वोट शिवसेना का वोट था, जो हिंदुत्व वाला वोट था, वो कहीं भी ऐसे किसी भी भावनात्मक मुद्दे से मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी को जब तक आज तक वोट नहीं दे पाया तो आगे भी वोट देगा, पहली बार। और इधर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि शिवसेना के अंदर भी कदाचित यही लड़ाई चल रही है, दोनों शिवसेनाओं की बात कर रहा हूं। आज आपने देखा होगा कि शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि ये दाढ़ी वाला है इसको आप कम मत आंक के चलना, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे भी जो शिवसैनिक है उनको अपनी तरफ लाने के लिए ये झगड़ा चल रहा है, यानी कि जो शिवसैनिक है वो असली शिवसेना किसको बताए, उद्धव ठाकरे को बताए या एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माने, ये चीज भी इन्हीं चुनाव से प्रमाणित होने वाली है, क्योंकि जिसके साथ ज्यादा शिवसैनिक जाएंगे वो असली शिवसेना मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ और वो दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर सारी पार्टियां दमखम से अपना चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, आपको एक चीज इसके अंदर और आरोप भी ध्यान देकर करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से मैं सबसे पहले महाविकास आघाड़ी की बात करूं और ये जो अभी मैं जिस चीज जिस प्रसंग की बात करने वाला हूं वो महाविकास आघाड़ी में कुछ आपको ज्यादा एक उसके उसका असर दिखेगा, और वो चीज है कि जिस तरीके से उद्धव जी पिछले 3-4 महीनों से लगातार चाहे दर्जन पद की परिक्रमा हो चाहे तमाम दिल्ली आकर के तमाम नेताओं से मिलना और उनको ये कहना कि भाई आप जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, यानी कि मुझे आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश करके चुनाव में आइए, लेकिन दूसरी तरफ जो शरद पवार इस गठबंधन के रचयिता थे, इसके आप ये समझ लीजिए सिंहकार थे, वो शरद पवार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा और जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसको उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थिति होती है आरोप जी, तो इसके अंदर हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भीतरघात, यानी कि आपने बिहार के लोग विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने खेला किया नीतीश कुमार के साथ, कि जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े थे वहां वहां रामविलास पासवान की चिराग पासवान से कैंडिडेट खड़े करवा दिए और कहीं ना कहीं उनको 43 सीटों के ऊपर रोक दिया, तो कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट और NCP और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ऐसी जिसको कहते हैं आत्मघाती जंग ना चल जाए कि भाई इनके कैंडिडेट को हराओ और हमारे कैंडिडेट को जिताओ, यानी कि हमारा संख्या बल ज्यादा हो, तो एक यहाँ पे एक तो ये फर्क है। दूसरी तरफ अगर इसी चीज की हम बात करें महायुति की बात करो, तो महायुति के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर तो नहीं बोल पा रही, लेकिन दबे पांव ये संदेश दे रही है कि चुनावों के बाद में दोबारा से निर्णय होगा कि सरकार का मुखिया कौन बने, यानी कि शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उनका डिमोशन किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं जो एक जिसको कहते हैं एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल दोनों ही गठबंधनों में आपको दिखेगा और इसका परिणाम ऊट किस करवट बैठेगा ये उसी टाइम आपको पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है सुशील जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने आज EVM को लेकर भी बहुत स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि 100% फुल प्रूफ है, लेकिन हरियाणा के बाद से लगातार अपोजिशन जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है उसमें चूंकि अब फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए हैं, तो क्या ये माना जाए अगर फुल प्रूफ है
आपने निश्चित रूप से सुना ही होगा इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फुल प्रूफ अगर है तो फिर क्या ये अपनी हार के दर्द को कम करने के लिए अपोजिशन बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े करता है? देखिए आलोक जी, सही बात, वहां जब मैं कांग्रेस नहीं जीता तब ईवीएम मिशन में कोई प्रॉब्लम था, जब केरला या कर्नाटका में नहीं जीता तब ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब जब जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जीता तो वहां भी ईवीएम की प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हरियाणा के इलेक्शन चल रहे थे, हरियाणा में 12:30 बजे तक कांग्रेस का दिखा रहे थे कांग्रेस बहुत आगे जा रहा है, तब तक इनके किसी नेता ने नहीं कहा कि ईवीएम में ये खराब है। अब क्या चीज होता है, जब जो आदमी हार जाता है तो वो बौखला हो ही जाता है, क्योंकि एक चीज हो गई जिनको गलतफहमी हो गई कि हमारे कैंडिडेट हर साइड से आगे चल रहे हैं, उस वजह से इनको गलतफहमी होगी। आप देखिए कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पहले कोई 20,000 से आगे चलता है तो अलफा सर लूंग 5,000 से पीछे जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। आप देख लीजिए उस टाइम भी उन्होंने या राजीव जी ने इनको कह दिया इलेक्शन कमीशन साहब ने, देखो जी आपकी मान जो या पोलिंग एजेंट वगैरह है उसके सामने सारा उनके सामने सारा हो गया, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज से 1-2 साल पहले कांग्रेस वाले उनके पास गए थे, उन्होंने मशीन का ये करा दे और विदेशी लैब्स में भेज के ये देखने के लिए क्या इसमें टैंपरिंग हो सकती है या इसमें कुछ चीज का या हो सकता है चेंजेस, उन्होंने भी सार से रिपोर्ट आ गई नहीं जी इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन को फटकार मारी कि दोबारा इस पीआर को दोबारा से लेके मत आइए, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारा टाइम बेकार मत कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग दी उसके बावजूद भी वो भरोसा नहीं करते। आप देख लीजिए महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन आने वाले हैं, आज इस मार्केट में अफवाह चल रही है ये जो ईवीएम मशीन है ये जैसे इसराइल ने पेजर्स पे या के जरिए ब्लास्ट कर दिया, इन मशीन में भी वो ब्लास्ट भी हो जाएंगे, जो तो बात फंसने वाली है क्योंकि ये जो है घबराहट है। आप देख लीजिए जो आपने बात इनसे पूछी पुरार जी से कि शरद पवार जी जो कह रहे हैं या मैं वो ये 84 साल का हूँ लेकिन मैं जब तक महाराष्ट्र को ठीक नहीं करूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ये देख लीजिए इंडिया अलायंस जो है जो इसके कदावर होता थे उम्र दराज नेता है, दूसरे नेता इनके हैं मलका खरगे ये अर्जुन खरगे जी, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में जब उनका इलेक्शन रैली में तबीयत बहुत खराब होगी फेंट होने लगे थे, उन्होंने भी फिर कहा घबरा मत, जब तक मोदी जी को मैं हटाऊंगा नहीं तब तक मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, ये इनकी हालत है। ये लग रहा है कांग्रेस पहले भी घबरा हुआ, ये देखिए महाराष्ट्र में जो अपना या उद्धव ठाकरे जी ने कहा हमारी पॉलिसी तब देखेंगे हमारा चीफ ऑफ कैंडिडेट कौन होगा, पहले हम देखेंगे उनका रूलिंग पार्टी का कौन सा होगा, दैट मीन्स कि इनका अपने जो अभी है वो स्ट्रेंथ पूरी नहीं है कि उनके साथ लड़ेंगे और वो क्या करेंगे, जबकि रूलिंग पार्टी महायुक्ति अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट देगी वो फिर उसके बाद अपना दावा पेश करेगा कि ये जो उनका कैंडिडेट है उसके मुकाबले में मैं ही इसके साथ फाइट कर सकता हूँ, ये सारा इनका जिस नौकर लाट में ही चल रहा है। ठीक है, अमित आप कुछ आप एक 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 चीज एक मिनट, दूसरा चीज है जो अभी अपना अजीत पवार जी है एनसीपी के, वो भी इस टाइम ये खुश नहीं लग रहे हैं इसके साथ अपना महायुक्ति के साथ, कि पहले जो हुआ था कैबिनेट मीटिंग जिसके वही आप ये इंचार्ज मिनिस्टर है वो 10 मिनट में भाग गए, 28 वहां पर कैबिनेट डिसीजन हो गया वो उसमें शामिल नहीं हुए, उसके बाद जो मैं इसका नवाब इसका जो बाबा सिद्दीकी का जो यह किलिंग हो गई उस पर भी उसके जो MLA वगैरह बहुत सारे वो नाराज है, उस वजह से लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन NCP एंड MIFP एंड बोथ महाविकास आघाड़ी पार्टी। जी ठीक है अमित, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे लेकिन एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं उसमें, बीजेपी हरियाणा में हारी बाजी जीती है इसलिए उसका मॉरल बहुत हाई है, इसलिए अब चूंकि फिर दो राज्यों में इलेक्शन घोषित हो गए झारखंड और महाराष्ट्र, ऐसे में हाई मॉरल का कैसे सामना करेंगे आप? देखिए हम दो 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 बातें हैं आपकी और दोनों बातों का अलग अलग हम जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जीती है लेकिन वो लोकतंत्र से नहीं जीती,
उसने लोक शब्द को हटा करके सदैव तंत्र का प्रयोग किया है और उसी तंत्र उसी मशीनरी के सहारे उसने जीत हासिल की। अभी मेरे भाई साहब कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे, पता नहीं किस लैब में मशीन गई थी और उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई थी, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकता। अरे भाई अभी ये डेमोक्रेसी है, अगर इसमें एक वोट का भी, अनिल मसीह को देखे थे ना कि किस प्रकार से कैमरे के सामने उसने बेईमानी की थी, तो ये वही लोग हैं। मैं बताऊं आलोक जी, बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को कहता हूं कि हम सभी ने जब अभी समीक्षा चल रही है हमारी पार्टी की और हम सब चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक उन सबूतों को लेकर जाएंगे, हमने देखा कि जिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने तक नहीं दिया गया, उनकी 80% जो पोल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई। ये कौन सा न्याय है भाई, ये कौन सी व्यवस्था है? हम सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? डेमोक्रेसी में एक ही कोर्ट का मतलब है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का मोराल अनैतिकता का बहुत हाई होता है, लेकिन सत्य का सरोकार जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के सरोकारों पर महाविकास आघाड़ी लड़ने जा रही है। यकीन मानिए आप, हम उसका डटकर सामना करेंगे। हमारे मोराल, हाँ, हमें जो परिणाम मिलने चाहिए थे जनता की तरफ से वो मिले हैं। आज हम फिर स्वीकारते हैं इस बात को, लोग ये हम कतई नहीं कहते कि जनता की तरफ से जो हमें हरियाणा में परिणाम मिलने चाहिए तो नहीं मिले, वो हमें मिले हैं, लेकिन उसमें जो सेंधमारी हुई है, उसमें जो चोरी हुई है, उसका पता लगाने की और उसकी समीक्षा की हमें आवश्यकता है और हम उस चीज को कर रहे हैं और टेक्निकली भी देख रहे हैं, जल्दी भी देख रहे हैं और उसे हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। दूसरी बात रही, अभी तक इसी चुनाव आयोग ने, मैं आपको भी बात करूं, आप सभी लोकतंत्र में हैं, हमको और आपको और पूरी जनता को हक है कि अपने वोट के संरक्षण की बात करने को लेके, जब कभी भी हम अपने वोट के अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के चुनाव आयोग आता है और वो तुरंत दो लाइन का घटा रहता है, खंडन शुरू कर देता है, सबको आलिस बेल, अरे भाई आलिस बेल तो इसमें चीखते क्यों हो, उसकी जांच क्यों नहीं होने देते हो? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो खराब हुई मशीनें हैं जिनको चुनाव आयोग ने खराब घोषित किया है, आज 7 साल हो रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है उसकी डिटेल बताओ भाई, किस नंबर की कौन सी मशीन खराब हुई है। चुनाव आयोग अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका एफिडेविट नहीं दे पाया। तो ये जो मशीनों का उलटफेर चल रहा है, घटतौली चल रही है इधर से उधर, हम आप सभी देखते हैं चुनाव में अक्सर पकड़ी जाती हैं ये सभी मशीनें कि चुनाव आए जहां पे मतगणना स्थल थे उसके आसपास एक गाड़ी घूम रही थी, ये वही मशीनें हैं जो बदलने का काम किया जाता है। यकीन मानिएगा एक ना एक दिन ये सच बाहर निकल करके आएगा और सब जनता को देख करके ये आश्चर्य होगा, तभी हम सभी उस विषय पर बात करेंगे। और ये वही अधिकारी होते हैं, ये लोक शब्द को हटा दो, अगर आलोक जी तंत्र शब्द के जरिए संविधान के अंतर्गत लोक शब्द को हटा दो और तंत्र के जरिए जो जीतने का ढंग है वो भारतीय जनता पार्टी को शायद आता है, इस वजह से उनके कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने मतगणना के एक दिन पहले बहुत बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहा था और डंके की चोट से कहा था, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। भाई वो कौन सा इंतजाम था? वो वही इंतजाम था जो 20 सीटों पर किया गया है, उसकी भी समीक्षा होगी और उसकी भी चीजें खुल करके बाहर आएंगी। नहीं, वो इंतजाम इस बात का नहीं था अमित जी, वो इंतजाम इस बात का था कि कुछ अगर एमएलएज कम रह जाते हैं तो जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उससे बातचीत कर रखी थी, उनका तात्पर्य ये था अमित जी। ठीक है, खेमचंद जी अमित जी को हरियाणा इलेक्शन पर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सुशील जी आपके पास आऊंगा, सुशील जी इसके बाद अब खेमचंद जी से एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं फिर आपके पास आता हूं। खेमचंद जी, कांग्रेस के नेता हैं उदित राज जी, पूर्व सांसद, दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं, आपकी पार्टी में भी रहे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए थे वो, उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और लोकतंत्र की हत्या हुई, उसी तरह इस तरह झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं होना चाहिए। ये आज जब चुनाव घोषित हुए हैं तो ये उनकी लाइन थी, उन्होंने ये बात कही है। देखिए, ये दोगले लोग हैं, ये ऐसे बोलेंगे, हिमाचल में चुनाव होता है लोकतंत्र सही था, कर्नाटक में चुनाव होता है लोकतंत्र सही था, बहुमत नहीं प्राप्त कर पाएंगे लोकतंत्र सही था, लेकिन विदेशों में जाकर झूठ बोला कि लोकतंत्र सही नहीं है, लोकसभा के जो लोकतंत्र नहीं सही है, गला घोट करके रख दो, ईडी सीबीआई हर चीज लगा दोगले गए लड़के।
चंद चोरों के लड़के दोगले दूसरे को शब्दावली बना करके रखे ना। ठीक अमित 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 बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप से फिर जवाब लेंगे। ठीक है खेमचंद जी आप कंटिन्यू करिए, खेमचंद जी आप कंटिन्यू करिए, आप बोलिए आप बोलिए। देखिए इनकी फ्रस्ट्रेशन क्योंकि आपकी डिबेट शालीनता वाली होती है, वो वाला मैं भी कर सकता हूँ, वो वाला मैं करना नहीं चाहता। आपकी शालीनता वाली डिबेट होती है, इनकी फ्रस्ट्रेशन अपने आप में दिखाती है। दोगले हो आप, आप जहाँ पे आपके रिजल्ट फेवर में आ रहे हैं वोटों की चोरी करते हो, वोटों की चोरी करते हो, तो कौन हो? चोर हो, चोर हो, वोट के चोर हो, छेड़छाड़ हुई है, वोटों के चोर हो, बेईमान हो, पत्थर हो। आप बोलो, आपको बोलना चाहिए कर्नाटक में सही नहीं है, बोलो ना इसका चुनाव हुआ क्या होता है, मतलब कि वोट करने वाले लोग क्या होते हैं, अपराधी चुनाव हुआ तो अपराधी को पकड़ा नहीं है, लोकसभा में भी आपको अपने सॉकेट को जितने भी आपके एमपी सॉकेट को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि इलेक्शन और ये रिजल्ट हम लोग जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पे कार्य नहीं बात हो रही है। आप लोग वहाँ पे बात करिए ना, जनता का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, झूठ जो शब्द आपको बोला बोलना चाहिए आपको, जोरदार समाज में अपराधी बोलूंगा, फिर मैं लुटेरा बोलूंगा, फिर मैं चोर बोलूंगा, फिर मैं डकैत बोलूंगा, क्योंकि आप सभी ने लोकतंत्र की हत्या की है। नहीं क्यों तो बताइए, चंडीगढ़ के अंदर क्या क्या किया करते हैं, इसीलिए आपको हरियाणा में जोरदार तमाचा पड़ा है, वैसा ही तमाचा महाराष्ट्र में झारखंड पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आप लोग देश को बदनाम करने में लगे रहते हैं, आप लोग आयोजित राजनीतिक आंदोलन करते हैं अपने फायदे के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, किसानों को बदनाम करते हैं, और आपकी कलई आपके सांसद क्या कर रही है कि कांग्रेस आपके सांसद क्या कर रही है, कंगना रनौत क्या कर रही है, हम तो काम कर रहे हैं, कंगना रनौत क्या कर रही है, आप तो जानते हो बदनाम करने में नहीं, कंगना रनौत ने किसानों को क्या कहा जानते हो, सुना है ना, वारे होते थे, करो कुछ इस बार, और ये अपने आप में दिखाता है कि आपकी जो कमजोरी है वो कमजोरी की वजह से आप बताओ ना, कमजोरी पूरी नहीं कर पाते, बोलो ना, इसीलिए कहो ना, मैंने आपको अपराधी नहीं कहा, आप मेढक की तरह उछलते रहते हैं, आपकी जो ये जो जिस तरीके का व्यवहार है टीवी चैनल पे, गुब्बार फुला करके रखे हुए ईडी सीबीआई के दम पे, समय आएगा, ठीक है ठीक, सुशील जी आएगा समय, ठीक ठीक आएगा आएगा समय, कंगना रनौत से बोलिए ना, सही है सरकार से बात करिए कि वो किसानों को कैसी है। आप दोनों के बीच में सुशील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में सुशील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ सुशील जी जी, जैसे यह सवाल कर रहा हूँ कि अगर इनको इतना आश्वासन है कि ईवीएम मशीन में हरियाणा में चोरी हो गई है या उसे छेड़छाड़ की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं, क्या कारण नहीं है सुप्रीम कोर्ट में इस बार ही चले जा रहे हैं, हम खटखटाएंगे, हम उन लोगों को रखने से हमें को रोक नहीं सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट यकीनन जाएंगे, चुनाव आयोग भी जाएंगे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार ही काम करेंगे, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन आप पता कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की एक डेढ़ साल पहले रूलिंग आई थी ईवीएम मशीन पर, उन्होंने आपकी पार्टी को विपक्ष को ये कहा था कि हमारा टाइम मत बर्बाद करो, ऐसी क्यार लेके मत आया करो, ईवीएम मशीन में हमने पूरा यह करवा रिसर्च करवा रिसर्च करवा दिया, ईवीएम मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत छोटा सा इसी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी ये चीज कही थी कि जो मशीन खराब और गायब हुई है उनकी जानकारी दो, इस चुनाव आयोग ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जानकारी नहीं दी है, क्यों नहीं दी है, इस पर सवाल हम डेमोक्रेटिक होने के नाते नहीं करेंगे क्या, लोकतंत्र की हम पार्टी हैं, हम क्यों नहीं सवाल करेंगे। आपसे कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं कि जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी वहां पर 2-3 घंटों के लिए कैमरा बंद किए गए थे, वहां लाइट बंद की गई थी, क्या इसमें भी कोई सच्चाई है फिर आपके हिसाब से, आप रिजल्ट जब हिमाचल में आप दिए थे कर्नाटक में आप दिए थे वहां पर क्यों नहीं आप रही और ठीक है ठीक है, जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, ठीक है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होगी और जो निर्णय होगा वो पूरे देश को मान्य होगा, ठीक है, ये अपनी अपनी बात आपने कही। पोदार जी के पास चलेंगे, पोदार जी दोनों ही राज्यों में आपने देखा है कि इंडिया गठबंधन और इंडिया में सीधा मुकाबला है, दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों राज्यों में अलग अलग सहयोगी दल के रूप में है, हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में है और महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े सहयोगी दल के रूप में वहां पर है, क्या चुनाव के बाद भी इसी समीकरण के हिसाब से क्षेत्रीय दलों को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, या फिर दोनों राज्यों में कुछ बदलाव की संभावना, बदलाव की उम्मीद, बदलाव की कुछ स्थितियां देखने को मिलेंगी, खासतौर पर महाराष्ट्र, खासतौर पर मैं महाराष्ट्र को लेकर सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं दोनों ही बातों का जवाब देता हूँ। देखिए मेरा यह मानना है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी अग्रणी सीट पे है, यानी कि झारखंड के अंदर
अगर सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, बाकी सब लोगों का वहां पे समावेश होगा और वहां पे इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कोई दूसरी कोई क्षेत्रीय पार्टी उनको चैलेंज करे और अपना मुख्यमंत्री की भागीदारी करे, मुझे ऐसा नहीं लगता। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर निश्चित रूप से देखिए इस चीज का मैंने अभी पूर्व अभी भी अभी आपको बताया कि ये चुनाव परिणाम के बाद में सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा है, सीटों के बंटवारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने पास कितने सीटें रखती है, शिवसेना शिंदे को कितनी सीटें देती है या अजित पवार को कितनी सीटें देती है और उसके बाद में कितने कैंडिडेट अपने जिता के लाती है, यानी कि विधायकों की संख्या क्या होगी। लेकिन बावजूद उसके आपको एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तोड़ फोड़ के बाद में ढाई साल पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि एकदम अपेक्षित यह था कि मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, और फडणवीस जी को भी यह उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद मेरा ही रहेगा और शिंदे जी को भी यह अपेक्षा थी कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक पीछे दो निशाने किए। एक तो जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी का कद बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको अपनी जिसको कहते हैं हद में उन्होंने लिया, और दूसरी तरफ जो उनको ये चीज लग रही थी कि कल को एकनाथ शिंदे दोबारा से शिवसेना के साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ ना चले जाए, क्यों? क्योंकि जो एक शिवसैनिक का जो विचार है, एक शिवसैनिक का जो रक्त है वो कभी भी उबाल मार सकता है। तो जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी उनको बनाती तो उप मुख्यमंत्री उनको उद्धव जी भी बना सकते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो उसके बाद उसके आगे का कोई दरवाजा ही नहीं बचा कि वो छोड़ करके कहीं जा पाए। तो कदाचित मेरा यह मानना है कि 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद भी स्थितियां सजग की तस रहेंगी। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का पद अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी को आगे करती है और एकनाथ शिंदे जी को उप मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में किसी ने अगर मध्यस्थता कर दी, क्योंकि एक चीज और मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत अलग प्रकार की राजनीति है और वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके अंदर अन्ना हजारे का भी एक आप नाम ले सकते हैं कि जो उद्धव जी के रूप में करीब है और शिंदे जी के भी उतना ही करीब है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों के प्रिय है और वो ये चाहते हैं कि जो शिवसेना के अंदर दो भाग हुए वो वापस एकीकृत एक शिवसेना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से व्यतीत है। तो उनका ये रहेगा कि अगर उप मुख्यमंत्री अगर शिंदे को देते हैं तो शिंदे जी दोबारा उद्धव जी के साथ जाकर के और कहीं ना कहीं दोबारा ना मिल जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे हिसाब से पसो पेश रहेगी। अब ये देखने वाला ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितने कैंडिडेट जिता के लाती है, उसके अंदर शिंदे जी की मजबूरी कितनी है, यानी कि शिंदे जी के कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, कि सरकार कितनी स्थायी रहेगी नहीं रहेगी, सारा का सारा जब विधानसभा का एक परिदृश्य नजर आएगा किसके कितने विधायक, तब ये सारी चीजें हम सही रूप में इनका हम विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। जी ठीक है, सुशील जी, महाविकास अघाड़ी में विमर्श चल रहा है कि उद्धव ठाकरे को चेहरा बना जाए, हालांकि उद्धव ठाकरे ही चेहरे भी हैं, लेकिन फाइनली उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनको घोषित करने का विमर्श चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, आप अगर कंपेरिजन करेंगे तो कौन भारी पड़ेगा? शिंदे जी का प्लस पॉइंट यह है कि उसके बैक में बीजेपी है, उद्धव ठाकरे जी के साथ कांग्रेस है और यह जो एक दो पार्टियां इनके साथ हैं वो इतनी ये चीज जैसे शिवसेना तो है ही, इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है इसीलिए उद्धव ठाकरे जी जो कल पर यह पहुंचा वो फैंका कि देखो जी हम अपना चीफ कैंडिडेट तब तक ये नहीं करेंगे डिक्लेयर जब तक हम देखेंगे कि रूल अपना यह महायुति पार्टी क्या करती है। महायुति पार्टी वो एक इंडिकेशन था कि अगर वो शिंदे जी को आगे करेंगे तो इसकी दावेदार रहेगी कि इसके खिलाफ मैं ही उठूंगा, मैं इसको हरा सकता हूँ। ऐसी स्थिति में ऐसा हो रहा है, लेकिन एक चीज देख लीजिए आलोक जी, अभी आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, आप देख लीजिए 10-15 दिन में इसका सारा पता चलेगा, क्योंकि कौन कैसे अगर जिसको टिकट नहीं मिली तो वो उधर उधर हो जाएगा, जिस पार्टी को ज्यादा टिकट या कैंडिडेट नहीं दे टिकट या काम जेब में ज्यादा मिले उसमें फेर बदलाव हो जाएगा।
ये 10-12 दिन में सारा पता चलेगा कौन किसके साथ रहेगा। अभी मुख्यमंत्री का बीजेपी अभी फैसला नहीं करेगी, मुख्यमंत्री के लिए किसको देंगे, जब ये रिजल्ट आएंगे उसके बाद इसका फैसला होगा किसका पला ज्यादा भारी रहा और किसके साथ। अगर बीजेपी में एक ये चीज भी है कि अमित शाह जी ये चीज है जो पीछे से मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वगैरह करते हैं, हो सकता है कि जैसे शिंदे जी का पला या उनके कुछ कम या टिकट आ गए या उनके जो कैंडिडेट्स हो गए कुछ कैंडिडेट्स को जो बीजेपी के साथ उस टाइम मिलना चाहेगा, ये 10-15 में पता चलेगा कि टिकट बंटवारे के हिसाब से कितने किसको कितनी टिकट मिले हैं, कौन किसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बिल्कुल लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी को ही बनाना पड़ेगा और उनमें अगाड़ी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भी उसके कैलिबर और जिनके पास वोट्स काफी है जिनका अपनी स्टैंडिंग है या उनके पास जो बाल ठाकरे जी के थे उसका स्टैंडिंग काफी था, इसलिए उनका थोड़ा बहुत पला भारी रहेगा। जी ठीक है, ठीक निरंजन जी संक्षिप्त में बोलिएगा, संक्षिप्त में जो बात कहनी है संक्षिप्त में कहिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं खाली एक चीज आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं आलोक जी कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और आपने देखा होगा कि एक मुफ्त वोट महाविकास आघाड़ी की तरफ वोट पड़ा, तो इससे आप ये अनुमान लगा लीजिए अगर विधानसभा में भी वही परिपाटी रही तो महाविकास आघाड़ी की गिनती 17-18 से चालू होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 16% अल्पसंख्यक वोट है तो उनकी गिनती 17 से चालू होगी, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की गिनती 1 से चालू होगी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी ठीक है, अमित क्या चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर पहले ही चेहरा तय हो जाएगा, उद्धव ठाकरे को स्वीकार कर लेगी कांग्रेस? देखिए पार्टियों का निर्णय है, चेहरा कब तय होगा कैसे होगा ये बात सभी को पता चलेगी और ये यकीन मानिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को तीनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को सत्ता से खदेड़ेंगे। आलोक जी बस 30 सेकंड चाहेंगे संक्षिप्त में उत्तर, चुनाव जीत लेना राजनीतिक शुचिता का भी प्रतीक होना चाहिए, दंभ का नहीं। हमने देखा है कि लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि जो अनिल मसीह चोरी कर रहे थे उनको किन शब्दों से नवाजा गया है और उसे किस किस अपराध की श्रेणी में लाया गया है। दूसरी बात, अगर मैं कहना चाहूं असभ्यता की भाषा में जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने 24 करोड़ की प्रतिमा को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से 24 लाख में बनवा करके जो पैसा खाया है उसे मैं चाहूं तो दलाली भी कह सकता हूं और सम्मानित देश के प्रधानमंत्री को मैं दलाल भी कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कल्चर में नहीं है। मैं भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि दोगला शब्द जो आपने प्रयोग किया, आप अपने मतलब एक सार्थक गरिमा सार्थक परिचर्चा पर हम लोग बैठे हुए, आप एक बार शब्दों का संयोजन सही करिए और अगर आपको लगता हो कि आपने गलत कहा है तो आप उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि लाखों लाख दर्शक हम आपको और आपको देखते हैं और हमारे और आपके शब्दों के माध्यम से ही हमारे सबका चयन होता है कि हम जिस समाज में जा रहे हैं उस समाज के स्तर को कहां लेकर के जाएंगे। जी ठीक है, खेमचंद जी झारखंड की भी बात कर लेते हैं, झारखंड में आपको जनता दल यू के साथ मिलकर लड़ना पड़ रहा है, आजसू के साथ मिलकर लड़ना पड़ रहा है, आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ और एलजीपी जो चिराग पासवान वाली है उसके साथ मिलकर आपको लड़ना पड़ रहा है, क्या आप वहां पर कमजोर हैं इसलिए ये आपको इतने सारे सहयोगी दलों की जरूरत पड़ रही है? खेमचंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए पढ़ रहा है वो सब सही नहीं है, हम सबको सम्मान देते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं और सब साथ में लेके चल रहे हैं और हम जीतेंगे और सहयोग लेना सहयोग देना ये तो राजनीति का एक अभिनय है। हमारी रीति नीति हमारे नेता के नेतृत्व में जो आखिर चुनाव लड़ना चाहता है हमारा साथ देना चाहता है तो उनका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन के भी स्वागत है, नेता बन के भी स्वागत है और सहयोगी दल के तौर पर भी स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकसभा इलेक्शन में भी छोटे छोटे दलों को सम्मान दिया, उनको मौका भी दिया और उनके कई सदस्य जीत के भी आए और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सम्मान भी देती है, तो ये नहीं कि हमें पड़ रहा है, हम वो हमारे सहयोगी पहले से भी रहे और अब फिर से सहयोगी रहेंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे, पहले भी हम लोगों ने मिलकर काम किया है और क्योंकि हमारी काफी हद तक जो हमारी विचारधारा है वो लगभग बराबर है, हम झारखंड का विकास करना चाहते हैं, झारखंड जो पिछड़ा हुआ राज्य है विशेषकर वहाँ बहुत सारे खदान है बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन पूरी तरीके से वहाँ पे काम नहीं हुआ है, विशेषकर कांग्रेस की और
झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार 5 साल से चल रही है, उन्होंने पूरी तरीके से सिर्फ उसमें करप्शन किया है, परिवारवाद किया है, परिवार को भरा है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत बांग्लादेशियों को वहां पे घुसा लिया है। तो जो हमारे आदिवासी समाज है उनके साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इन सबको हमें खत्म करना है। झारखंड को पुनः हमें विकास के रास्ते पे लाना है, महाराष्ट्र विकास के रास्ते पे है, उसको और तेजी से आगे ले जाना है और हमारी पार्टी कमिटेड है। हमारी पार्टी के पास स्पष्ट नेता है, एक क्रेडिबल नेता है, क्रेडिबल हमारी नीति है और हमारी नियत भी बिल्कुल साफ है, ऐसा लोग हमें मानते हैं और हम लोग इन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है निरंजन जी, लोकसभा चुनाव जी जी बोलिए बोलिए, मैं एक सवाल भी जोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल भी कर लेता हूँ। ठीक है बोलिए बोलिए। ऐसा है आलोक जी, मेरी एक ज्ञान पिपासा है, अगर खेमचंद जी उसको संतुष्ट कर पाए तो बड़ा आभारी रहूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आसाम और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हमें मदरसे बंद करने हैं, मदरसे के अंदर मौलवी पैदा होता है और मौलवी पैदा करना सरकार का काम नहीं है। और एक मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट है और वहां पे मदरसे के जो शिक्षक हैं उनको 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 उसकी तनख्वाह कर दी जाती है। तो कौन से मुख्यमंत्री की क्या विचारधारा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अलग अलग विचारधारा काम कर रही है या एक तरफ एक मुख्यमंत्री की यह विचारधारा और दूसरे मुख्यमंत्री की दूसरी विचारधारा? क्या मेरी आप ज्ञान पिपासा संतुष्ट कर पाएंगे? जी ये खेमचंद जी इसका जवाब देंगे। आसाम बॉर्डर स्टेट है, वहां पे बहुत ज्यादा इंट्रूडर्स घुसे हुए हैं, जो बांग्लादेश इंट्रूडर्स भी हैं और रोहिंग्या इंट्रूडर्स भी हैं और उनके द्वारा जो संचालित वहां पे मदरसे हैं उनको नहीं चलने दिया जाएगा। सीएम का स्पष्ट वहां पे रवैया है और वो नीति हमारी पार्टी में पूरी तरीके से अप्रूव है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चल रही है। महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस तरीके से लार्ज नंबर में बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं थोड़े और हैं, उनपे नकेल कसी जा रही है और उनके जो इलीगल मदरसा है उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। लेकिन इंडियन मुस्लिम के लिए हमारे दिल में कोई द्वेष नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दें। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, सबका साथ सबका विकास के आधार पर आगे बढ़ती है। हम विदेशी जो इंट्रूडर्स हमारे यहाँ पे घुसे हुए हैं, जो डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए जो आसाम के सीएम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडियन मुसलमानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो भी सही किया है। जी ठीक है अमित 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 आप अमित आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी ठीक है, ठीक बोलिए बोलिए। हम बस इतनी चीज कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव दोहरे मापदंड अपनाए हैं, यही नहीं इनका पूरा एजेंडा जो है वो धार्मिक उन्माद को समर्पित रहता। एक तरफ ये गाय की सिर्फ दिखावे की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ जब हमारे शंकराचार्य गो यात्रा लेकर के अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां के भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि हम गाय खाएंगे इसे मैं कोई रोक नहीं सकता। ये दोहरा चरित्र क्या कहलाता है अगर भारतीय जनता पार्टी? अरे महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया गया है गाय को, बता दो नहीं तो अरुणाचल में एक बार आलोक जी बात कर लीजिए, अरुणाचल के बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो कहते हैं मैं गाय खाऊंगा मुझे कोई रोक नहीं सकता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो क्या कहलाता है? और देश के लोग जानना चाहते हैं कि गाय जो हमारी मतलब माता है हमारे लिए पूजनीय है उसके प्रति दोहरे मापदंड, एक जगह तो आप खा सकते हैं और दूसरी जगह आप उन्माद मचाते हैं, तो ये क्या है? ठीक है सुशील जी, इसी से संबंधित एक सवाल महाराष्ट्र की चुकी बात करें, चूंकि महाराष्ट्र में अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र के जो मदरसा टीचर्स हैं उनका वेतन 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है, 6,000 वाले को 16,000 कर दिया गया, 8,000 वाले को 18,000 कर दिया गया, इस तरीके से वेतन वृद्धि की गई है वहां पर। लेकिन लोकसभा चुनाव से अगर कंपैरिजन करें तो लोकसभा चुनाव में जो अल्पसंख्यक मत गए वो 90% बीजेपी के खिलाफ गए, ऐसे में क्या मदरसा टीचर्स का वेतन बढ़ा देने से बीजेपी के पक्ष में अल्पसंख्यक मत आएंगे? आलोक जी ये जो आसाम के मुख्यमंत्री है ममता जी, उन्होंने भी सही स्पष्ट कर दिया कि हमें बीजेपी को कभी भी मुसलमान का वोट नहीं मिल सकता है। ये देखा गया जम्मू कश्मीर में एनडीए सरकार ने मोदी जिसने इतना काम किया, इतनी डेवलपमेंट की, इतने ये टूरिस्ट लाए और पीस बहाल कर दिया जिसकी वजह से आज इलेक्शन बड़े पीसफुली हुए, जहां जब इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी पीस कराने के बाद भी एक भी कश्मीरी लोग ने बीजेपी को वोट नहीं दिया पोलराइजेशन की वजह से।
हमें नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में कितना भी बीजेपी को सोना चांदी वगैरह डायमंड भी दे दे, एक भी वोट वो बीजेपी को नहीं जाएगा। ये जो बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में खामियाजा ज्यादा उठा पड़ा वो भी यूपी के वजह से है, जहाँ एक समुदाय के लोगों ने बिल्कुल एक तरफा ये किया, फैसला किया कि इस बार न किसी उधर पार्टी को होना चाहे न इधर, जो पार्टी हमें लग रहा है कि जीतेगी उसी पार्टी को देना। कश्मीर में इस बार सेपरेटिस्ट जो जैसे उग्रवादी थे वो इलेक्शन में उठे, जो अफजल गुरु था जिसको फांसी लगी थी उसका बारी भी इलेक्शन में उठा, उसको 129 वोट खाली आ गया। लोगों ने उसको रिजेक्ट इसलिए किया कि जो अपना वोट है वो जाया ना हो जाए, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है ताकि वो बीजेपी को टक्कर दे दिए। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इसी वजह से एंटी बीजेपी और प्रो 300 आर्टिकल 370 से हुआ, सेम चीज महाराष्ट्र में भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में जब मुझे जो इनके रिलीजियस प्लेस से जो आवाज आती है वोट जिसको देना है उसी को वोट मिलेगा, एक भी वोट उधर नहीं हो जाएगा। ये बीजेपी की का ये जो कोशिश रहेगी नाकाम रहेगी। पहले भी आप बता दीजिए किसी भी यूपी के आप जो समुदाय समुदाय के लोग हैं उसे कह दीजिए कि आपने मकान मिला आपको, हाँ जी मिला, राशन ले रहे हैं जी मिला, बाकी फैसिलिटी मोटे सब मिल रहा है, वोट किसको दोगे वो दीजिए पहले। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है एक भी वोट बीजेपी को दे डालते हैं, इससे बीजेपी की गलतफहमी है कि वो इन पर इजाफा बढ़ाएगा या कोई कोई चीज देगा फैसिलिटी देगा उसके बाद भी वोटिंग होगा। जी ठीक है निरंजन जी, एक एक सवाल चूंकि वक्त कम है छोटा सवाल लेता हूं और छोटा सा ही जवाब चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें अगर तो विधानसभा में 100 चूंकि वहां पर 48 लोकसभा क्षेत्र हैं उसके मुताबिक 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उस लोकसभा के कंपेरिजन के हिसाब से 167 सीटें वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गई थी लोकसभा चुनाव में और 127 सीटें महायुति के पक्ष में गई थी। ऐसे में मुझे लगता है कि महायुति के लिए बड़ा चैलेंज है ये चुनाव जीतना। निश्चित रूप से आलोक जी, लेकिन अभी जो आपने सुशील जी सवाल किया था उस सवाल का जवाब मैं खाली एक शब्द एक साक्षी में देना चाहूंगा कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ना चली जाए जिस तरीके से मदरसा वेतन बढ़ा है। ये पहली बात जो आपने उत्तर दिया। देखिए सुशील जी आलोक जी, मेरा ये मानना है कि जो लोकसभा चुनाव है उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए अहम और वहम का शिकार हो गई, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि वोट मोदी के नाम पे दिखता है, कहीं ना कहीं वो मोदी फैक्टर नहीं चला। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है जिसमें 6 से 7 विधानसभाएं समाहित होती हैं, तो जितना बड़ा विधानसभा लोकसभा चुनाव उतना पार्टी बेस होता है, लेकिन जितना छोटा चुनाव होता चला जाता है उतना कैंडिडेट बेस, यानी कि उसके अंदर कैंडिडेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसका कारण यह है कि जिस तरीके से एक लोकसभा होती है उसके अंदर अगर 7 विधानसभा है तो 7 कैंडिडेट उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आप ये समझ लीजिए मैन टू मैन मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि घर घर जाकर के वो जनता को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया करूंगा, पोदार जी आपका शुक्रिया करूंगा, अमित आपका शुक्रिया करूंगा, खेमचंद जी आपका शुक्रिया करूंगा, सुशील जी आपका शुक्रिया करूंगा। अभी हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की रोशनी में झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों का आकलन हो रहा है, क्योंकि इन चुनाव में बीजेपी मजबूत हुई है और कांग्रेस की कमजोरी दिखी है। लेकिन ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हर चुनाव अलग होता है और हर राज्य के समीकरण अलग होते हैं, इसलिए इन दोनों राज्यों के चुनाव की तुलना पिछले चुनाव से नहीं हो सकती है। जाहिर है ये दोनों राज्य बहुत अहम हैं जहां पर अभी किसी तरीके की भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।